सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। जो भी स्टूडेंट 2024 से 28 वाले हैं, उन सबका क्वेरी है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, दूसरी बात कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब फिलअप होगा, और रजिस्ट्रेशन जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो कब मिलेगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट, मान लीजिए कि आप 24 से 28 वाले हैं, तो हम पहले ही इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट अगर फेल या प्रमोट होंगे तो उनका क्या परेशानी आएगा, क्योंकि कोई भी काम होने से पहले ही आप जान लीजिए कि अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो देखिए, एक एक करके बात करते हैं कि आप लोग को मालूम होगा, ये वाला आप सभी को मालूम होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोग अभी जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था, यानी कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो स्लिप होता है, अभी हमको वो पेज मिल नहीं रहा है, तो रजिस्ट्रेशन जो स्लिप होता है वो आप लोग का लगभग नवंबर में आप लोग को डाउनलोड होगा, ठीक है। आप लोग साइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो उस पर आपका नेम, सिग्नेचर, फादर मदर नेम और सारा पेपर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक। वो तो एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अभी भी जिस कायदे से करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम गेस पेपर से या कैसे भी करके पास हो जाएंगे। तो देखिए, ये गलत फहमी में छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, 4 ईयर का ग्रेजुएशन है। अगर जो स्टूडेंट, पहले हम बता रहे हैं कि अगर फेल हो जाएगा तो क्या होगा, अगर जो स्टूडेंट 24 से 28 वाले हैं और अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं, ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं, तो वो चले जाएंगे अब 2025 से 2029 के साथ, ठीक। देखिए, जैसे यहाँ पे समझिए, जो स्टूडेंट 2023 से 27 वाले थे, यानी कि आपसे पहले वाले, अगर वो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फेल प्रमोट जो भी है तो वो आप लोगों के साथ एग्ज़ाम देंगे अब 24 से 28 वाले में, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें से कोई 24 से 28 वाले में से कोई फेल हो रहा है तो वो सोचे कि 25 से 29 वाले में चला जाएगा, मतलब समझ रहे हैं कि क्या करना है, 40 तक के एग्ज़ाम देते रहना है, नहीं ना। तो अब क्या करना है कि इससे बचने के लिए, क्योंकि ये जो हार्श ट्रूथ है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम बस ऐसे ही कुछ भी कर लेंगे और हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस के होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पहले कभी 32 पेज नहीं लिखे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको पॉलिटिकल साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये मालूम ही नहीं है, लेकिन वो लिए हैं और पढ़ना भी है, और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं नया और उसको पढ़ते हैं। बट अभी के टाइम में क्या है कि अगर 10 स्टूडेंट है ना, 10 स्टूडेंट में 7 स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब नॉर्मल। तो भैया नॉर्मल बस इतना याद रख लेना, क्योंकि इसमें से 3 स्टूडेंट हैं जो सिलेबस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, PYQ हमसे ले रहे हैं या इधर उधर से भी ले रहे हैं, जैसे भी जो भी है, लेकिन ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं 3 स्टूडेंट, लेकिन जो ये 7 हैं वो अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। तो देखिए, घूमना बंद कर दीजिए, कौन कितना कॉलेज जा रहा है, कौन कितना टीचर का फेवरेट हो गया है, कौन कितना जो कॉलेज का समोसा खा रहा है और कॉलेज आकर डेली डेली सबसे जान पहचान पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको ये है कि जब 70 नंबर का पेपर दीजिएगा ना, तो उस 70 नंबर का जो कॉपी जाता है ना, उसमें ये भी लिखा नहीं रहता है कि ये किस बच्चे का कॉपी है, उसका इस तरह से जो पेज होता है ना बीच से, वो फट के ये अलग निकल जाता है, ये अलग, और ये जाता है किसी भी टीचर के पास चेक होने के लिए, और ये किस कॉलेज में जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, किस कहाँ पर जाएगा, ये किसी को भी नहीं मालूम होता है। और ये टोटल 32 पेज का होता है बुकलेट, जो कि आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि 10 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, वो गलत कहते हैं, आपको अच्छे से 25, 26, 27 पेज लिखना है। हम और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं और जो भी हमारे साथ में हैं, हम लोग पूरे पूरे 32, 32 पेज लिखे हैं, और हमको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है PG में भी। तो इतना याद रखिएगा कि मजाक नहीं है हर चीज़, ठीक। और बाकी जिसको फिर भी चोरी करना है, तो धूम 2, धूम 3 जो भी है, वो तो सामने से बैठ के भी कोई चोरी करेगा तो कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे कि कैसे पढ़ना है, तो देखिए, ये सिलेबस के लिए हम वीडियो बना दिए हैं, सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको सीनियर से मिल रहा है, ले लीजिए, जहाँ से भी आपको लेना है लीजिए, और अगर कहीं से ना मिले तो 6206609855 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पर पेपर आपको 20 रुपीज़ में PYQ मिलेगा, सिर्फ एक साल का ही है, 23 से 24 वाले बच्चे का, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है कि आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म नवंबर में फिल होने का 90% चांस है,
बट क्योंकि PPU है कुछ भी कर सकता है, और दिसंबर या जनवरी के 15 जनवरी से पहले आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो सकता है। तो हम बता दिए, विश यू ऑल द बेस्ट कि जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, पढ़ाई करिए। एक बार याद रखिएगा कि स्टार्टिंग का एक दो सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर मेहनत कर लीजिएगा तो PG तक सोचना नहीं पड़ेगा। आपको नोट्स बनाने आ गया, आपको लिखने आ गया, आपको 32 पेज लिखना कैसे है, आपको कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, ये सब सीख लिए। क्योंकि समझ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 32 पेज का कंटेंट जो है याद करके लिख लीजिएगा तो वो याद नहीं हो पाएगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज मीनिंग, स्कोप, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आपको क्या लगता है कि आप पूरा रट जाइएगा? नहीं, आपको उस नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे मतलब, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कोई चीज़ को याद नहीं कर सकते, आपको बस उस जो नोट्स बनाइएगा ना, उस नोट्स से आपको क्या करना है कि बस चीज़ों को एक एक पेज आगे और एक पेज पीछे में एक टॉपिक का नोट्स बना लीजिए और इसको समझ लीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपको अपने शब्दों में फ्लो चार्ट के साथ इस तरह से कि मान लीजिए कि हमको आ ही रहा है 2 लाइन और हमको लिखना है वो पूरा पेज भरना है, तो हम वो एक पेज, ये पूरा एक पेज कैसे फील करेंगे अपने 2 लाइन से? तो कुछ लाइन लिखेंगे और कुछ डायग्राम बनाएंगे, जिसको फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट बहुत तरीके का होता है और मैंने कम से कम 37 या 57 फ्लो चार्ट का वीडियो बनाया है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है। और बाकी नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स आपको एक टॉपिक पे, ये आगे का और इसके पीछे वाला, बस इतना ही नोट्स बनाना है। ये कैसे समझ में आएगा? जब आप 32 पेज वाला वीडियो देखिएगा तब, कि 32 पेज में देखिएगा कि कैसे लिखना होता है, शॉर्ट के लिए क्वेश्चन कितना लिखना है, लॉन्ग के लिए कितना लिखना है। इस पर भी हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, बट फिर भी उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारे हैं जो एग्ज़ाम देंगे, और इस तरह से एग्ज़ाम तो आप दीजिएगा ही, लेकिन उससे पहले प्रिपेयर हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, और याद रखिएगा एग्ज़ाम है जो है कि दिसंबर जनवरी में होगा। जो बच्चे फेल होंगे वो 25 और 29 के साथ पहुंच जाएंगे, तो प्लीज़ बुढ़ापा नहीं लाना है ग्रेजुएशन में। 2 महीना का टाइम है, 1-1.5 महीना का टाइम है, पढ़ाई कर लीजिए। फर्स्ट इज सिलेबस, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है चैनल पर लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दूसरी बात PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बाकी नोट्स कैसे बनाना है, 32 पेज सबका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे किसके लिए? सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, अपना एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा।